ईरान ने इसराइल को एक बार फिर से सख्त चेतावनी दी है। ईरान की ओर से आगाह करते हुए कहा गया कि अगर हमला हुआ तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी इजरायली हमले का मतलब खतरे की रेखा को पार करना होगा और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि अब से कुछ ही दिन पहले एक ड्रोन हमले में नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। अब इस बीच अराग्ची यानी ईरानी विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। अराग्ची ने तुर्की के एक चैनल से बातचीत में कहा कि ईरान पर किसी भी हमले का मतलब हमारे लिए लाल रेखा को पार करना है। हम ऐसे हमले का जवाब जरूर देंगे। ईरान की परमाणु सुविधाओं या किसी भी तरीके के हमले पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले ही अमेरिका में कुछ ऐसे पेपर लीक हो गए थे जिनमें यह पता चला कि इसराइल ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। अब इस मामले के बाद ईरानी विदेश मंत्री अराग्ची ने इसराइल पर किए गए हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने उस समय किसी भी आर्थिक या नागरिक सुविधाओं पर हमला नहीं किया था, हम केवल सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया था। अब हमने इसराइल में अपने सभी लक्ष्यों की पहचान कर ली है। अगर इसराइल हमला करता है तो हम उनके ठिकानों पर भी इसी तरीके का हमला करेंगे। वहीं जब ईरानी विदेश मंत्री से ये पूछा गया कि आखिर इसराइल ने अभी तक इन पर हमला क्यों नहीं किया, तो इसके जवाब में उनका जवाब था कि पूरी दुनिया से इसराइल पर हो रहे दबाव का कारण है कि इसराइल अभी तक ईरान पर हमला नहीं कर सका। ईरानी विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि इस क्षेत्र में पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ने की अत्यधिक संभावना है। देश क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इजरायली हमलों और क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आपदा को रोकने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल और युद्ध विराम की घोषणा की जानी चाहिए। इसके बाद ही हम गाजा पट्टी और लेबनान के निवासियों की भलाई के बारे में बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों लेबनान ने ड्रोन हमले से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला बोला था। इस हमले के पीछे भी ईरान का हाथ बताया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। बेंजामिन ने कहा कि ईरान के एजेंट जिन्होंने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने एक बड़ी गलती की। उन्होंने लेबनान से ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उसका लक्ष्य उत्तरी शहर कैसरिया में उनके निजी आवास को निशाना बनाना था। बता दें कि फिलहाल ईरान और इसराइल के बीच बेहद चरम पर तनाव पहुंच चुका है। इस बीच लेबनान और हमास की ओर से भी इसराइल पर हमले हो रहे हैं। जवाब में इसराइल की तरफ से भी एक के बाद एक विध्वंसक मिसाइलों और रॉकेट से हमला बोला जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।